भंडारा राज्य सरकार द्वारा विदेशी छात्रवृत्ति दी जाती है ताकि अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। हालांकि इस छात्रवृत्ति मानदंड में यह पाया गया है कि ओबीसी छात्रों के साथ अन्याय किया गया और आय सीमा 20 निर्धारित की गई है। ओपन कैटेगरी के लिए 8 लाख और ओबीसी के लिए 8 लाख, ये मामला ओबीसी छात्रों के साथ अन्याय है और ओबीसी क्रांति मोर्चा महाराष्ट्र राज्य जिला भंडारा ने मांग की है कि अनुसूचित जाति के छात्रों को मानदंड ओबीसी पर लागू किया जाए। उन्होंने विदेशी को लेकर चिंता जताई है। ओबीसी छात्रों की छात्रवृत्ति शीर्ष 100 रैंकिंग में विदेशी विश्वविद्यालय के लिए SSC के लिए आय की कोई सीमा नहीं है तो वे इसे ओबीसी पर क्यों लागू करें। एक सवाल यह भी है कि नहीं, राज्य सरकार के अन्य पिछड़ा बहुजन कल्याण निदेशालय ने जारी किया है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में विदेश में उच्च शिक्षा के लिए बीजा भज एमाव एवं बीमा प्रवर्ग के मेधावी बालक एवं बालिकाओं हेतु विदेशी छात्रवृत्ति हेतु मात्र 50 छात्र छात्राओं के लिए विज्ञापन आय सीमा मात्र 8 लाख प्रतिवर्ष, जबकि सरकार ने आय सीमा निर्धारित की है। ओपन कैटेगरी के छात्रों के लिए समान छात्रवृत्ति के लिए 20 लाख की सीमा, इसलिए ओबीसी क्रांति मोर्चा महाराष्ट्र राज्य जिला भंडारा ने मांग की है कि ओबीसी के लिए आय सीमा बढ़ाकर 20 लाख की जाए। इस आशय का बयान कलेक्टर द्वारा सौंपा गया है। इस अवसर पर अध्यक्ष संजय मटे, समन्वयक जीवन भजनकर, किसान संघ के जिला अध्यक्ष बंडू बोपचे, महिला अध्यक्ष शोभा बावनकर, तालुका अध्यक्ष सुधीर सर्वे, धनराज साहिता ने उपस्थित रहे। ओबीसी विभाग ने यह शर्त लगाई है कि केवल 200 रैंक वाले विदेशी विश्वविद्यालय ही इस छात्रवृत्ति के लिए पात्र है, लेकिन अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों के लिए 300 रैंक वाले विश्वविद्यालय पात्र है। ओबीसी के लिए ये भी यही शर्त और छूट क्यों नहीं, यह सवाल ओबीसी क्रांति मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष ने उठाया है। विदेशी छात्रवृत्ति में ओबीसी छात्रों के साथ गलत व्यवहार किया गया है। यह मामला मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और ओबीसी विभाग के मंत्रियों के ध्यान में लाया गया है। समय की मांग की है कि ओबीसी छात्रों की आय सीमा रुपए हो। मी आज इथं जिल्हा अधिकारी कार्यालयामध्ये निवेदन देण्याकरिता ओबीसीच्या न्याय हक्काकरिता आलेला आहे। आज महाराष्ट्रामध्ये ओबीसीवर होणारा अन्याय, ह्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी ग्रामीण जनतेमध्ये जे मुलं असतात त्या मुलांना शिष्यवृत्ती नाही, त्यांना हॉस्टेल नाही, म्हणजे ओबीसीवर होणारा जो अन्याय आहे, आणि वरून जे ग्रामीण जे लोक मुलं असतात ग्रामीण खेड्या भागातील त्यांना सर्वसाधारण वर्ग म्हणजे पैसा मिळत नाही, शेतकरी वर्गातून लोक असतात, त्यांना फक्त 8 लाखाची अट दिलेली आहे आणि जनरल कॅटेगरीला 20 लाखाची अट दिलेली आहे। त्याच्यामुळे सिटी वर्गामध्ये येणारे जे मोठे वर्गातले जो लोक असतात त्यांच्याकडे अमाप पैसा असतो, त्यांना 20 लाखाची अट आणि ग्रामीण खेड्या भागातील जे मुलं असतात त्यांना फक्त 8 लाखाची अट, या न्याय हक्कासाठी आज इथं निवेदन देण्यात आलेलं आहे। तरी पण सरकारला अशी आमच्याकडून सूचना आहे की ओबीसीच्या न्याय हक्कासाठी ओबीसीला 20 लाखाची अट देण्यात यावी, एवढीच आग्रहाची विनंती। ओपन कॅटेगरीसाठी 20 लाखाची आणि ओबीसीसाठी 8 लाखाची अट ठेवण्यात आली आहे। तसंच सगळ्यांसाठी सारखीच ठेवायला हवी, जसं ओपनसाठी 20 लाखाची तसे ओबीसीसाठी पण 20 लाखांची अट ठेवण्यात यावी। NBCN न्यूज के लिए तुमसर से जितेंद्र पटले की रिपोर्ट।